लोकसभा में जीत के बाद सांसदों की अहम बैठक प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सभी सांसद मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देवताय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने अहम मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कर समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देवताय ने मीडिया से चर्चा की और कहा, आज लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी। लगातार तीसरी बार हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है और इसके लिए समस्त देश के मतदाताओं को मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने नेता शामिल होंगे इसके सवाल पर कहा, यह तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार की बात है। अब मंत्रिमंडल में किसको लेना है और किसको नहीं लेना है यह उनके अधिकार की बात है। आराम से, आराम से। अच्छा ठीक, पूछिए कोई एक। हाँ बैठक के बाद भैया माइक इतना आगे करेंगे ना तो थोड़ा साइड, माइक को मूवमेंट में मत रखिए, पीछे रख लो। हाँ बस समन्वय समिति की बैठक थी। लगातार तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं, छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारा जो यहां का चुनाव प्रबंध समिति था जिसके प्रदेश के संयोजक श्री शिवरतन शर्मा जी थे और 38 तरह की कमेटी बनी थी और भारी धूप के बाद भी, नौतपा धूप के बाद भी हमारे प्रबंध समिति के सभी लोग बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, परिश्रम किए और ऐतिहासिक विजय दिलाए। आज उनको धन्यवाद देने का ये बैठक था और हमारे जो 10 नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका भी पहली बार रायपुर और प्रदेश कार्यालय आना हुआ था, उनको भी पार्टी की तरफ से हमारे एसोसिएट प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको पटका और बुके देकर उनका सम्मान किया। रात को दिल्ली जा रहे